A very good morning and welcome to Shantikunj online classes. As we have discussed about some topics of electricity and circuit, now let's start with the next topic, that is electric circuit. चलिए आज हम electric circuit के बारे में बात कर लेते हैं. The complete path from one terminal of an electric cell through the bulb and back to other terminal of the electric cell is called electric circuit. यानी कि एक सेल जिसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जब ये अपना एक पाथ कंप्लीट करता है, यानी एक तरफ से सर्किट बनाते हुए ये पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल से दोनों तरफ से इसके वायर जब एक बल्ब से कनेक्टेड हो जाते हैं, तब ये एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है. आप बात करते हैं क्लोज सर्किट. क्लोज सर्किट क्या होता है? द करंट इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी टू द अदर इज कॉल्ड अ क्लोज सर्किट. यानी कि हमारे पास यहां देखिए ये वाला फिगर देखिए आप, इसमें क्या है, जब ये सामने एक बल्ब है और ये हमारा एक सेल है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल्स है. जब इसका वायर एक तो बल्ब से कनेक्ट हो रहा है और दूसरा भी बल्ब से ही कनेक्ट होगा, जब ये पूरा एक सर्किट जुड़ा है कंप्लीट हो रहा है, तो हम इसे क्लोज सर्किट कहेंगे. और इस केस में आप देख रहे हैं कि ये बल्ब ग्लो कर रहा है. दूसरी तरफ देखिए, हमारे पास एक बल्ब है, एक तरफ से सेल का टर्मिनल बल्ब से जुड़ा है और दूसरी तरफ से भी बल्ब से जुड़ा है, लेकिन उसका टर्मिनल नेगेटिव है. लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां पर ये पूरी तरह से जुड़ा नहीं है, ये ओपनिंग है, इसलिए हम इसे ओपन सर्किट कहते हैं. और ओपन सर्किट में देखिए बल्ब ग्लो नहीं करेगा. तो यहां इसकी डेफिनेशन फिर देखिए, द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी टू द अदर इज कॉल्ड क्लोज सर्किट. यानी कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जब हमारा करंट फ्लो कर रहा है और ग्लो हो रहा है बल्ब, तो हम इसे क्लोज सर्किट कहेंगे. वहीं द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट एट एनी पॉइंट इज ब्रोकन, देखिए यहां पर यह कंप्लीट नहीं हो रहा है, टूटा हुआ है, इसको हम ओपन सर्किट कहेंगे और यहां पर करंट फ्लो नहीं करेगा. नाउ इट्स क्लियर ओपन सर्किट क्या होता है और क्लोज सर्किट क्या होता है. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं. समटाइम्स अ बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ इट इज कनेक्टेड करेक्टली. कभी कभी क्या होता है, ये पूरा सर्किट हमारा कंप्लीट हो रहा है लेकिन फिर भी बल्ब ग्लो नहीं करता. ऐसा क्यों होता है? ऑब्जर्व इलेक्ट्रिक सर्किट केयरफुली, तब आप इस पूरे सर्किट को ध्यान से देखें. You will notice that filament of bulb is broken. Filament यानी बल्ब में ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो बीच में वायर आप देख रहे हैं, इसको फिलामेंट कहते हैं. ठीक है, आप जब क्लोजली देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो बल्ब में फिलामेंट है ये टूटा हुआ है. ड्यू टू दिस ब्रेक द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल विल ब्रेक. और ऐसी कंडीशन में जब ये फिलामेंट टूट जाता है, तो जो करंट फ्लो होगा इसमें वो भी ब्रेक हो जाएगा. हिंस नो करंट फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड बल्ब डज नॉट ग्लो, ऐसे में बल्ब नहीं ग्लो करेगा और इसको हम फ्यूज बल्ब कहेंगे. ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया कि एक बल्ब जिसका फिलामेंट टूट जाता है, तब एक सर्किट जो है कंप्लीट नहीं हो पाता है और बल्ब ग्लो नहीं करता, और ऐसे बल्ब को हम फ्यूज बल्ब कहते हैं. ऑलराइट, नाउ लेट्स नो अबाउट सम सिंबल्स ऑफ अ फ्यू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. सेल, बल्ब, स्विचेस एंड वायर्स आर सम कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. आप जानते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट में ये सारी चीजें होती हैं. सेल मिलेगा, बल्ब होगा, स्विच होगा और वायर यानी तार भी होते हैं. अ सर्किट विद टू इलेक्ट्रिक सेल्स यानी बैटरीज, अ स्विच एंड अ लैम्प यानी कि टॉर्च भी होता है, कैन बी ड्रॉन. हम इन सबको ड्रॉ करके भी बता सकते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं. वन वे इज टू ड्रॉ द सर्किट विद एन एक्चुअल ड्रॉइंग. जैसे यहां देखिए हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सेल है, हम सेल को किस तरह से बता सकते हैं, ये हमारा वायर है और ये जो लॉन्ग लाइन है इधर पॉजिटिव टर्मिनल है और ये जो शॉर्ट लाइन है इधर नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारा सेल बता रहा है. उसी तरह से बैटरी देखिए, वही चीज है, लॉन्ग लाइन और स्मॉल. तो ये क्या है, कई सारे है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे तीन दिखाए, 1, 2, 3, इसका मतलब है तीन सेल्स एक सीरीज में है यानी एक लाइन में है. तो हम ये नहीं है कि यहां प्लस लिखा फिर यहां माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, नहीं, हम इधर का जो लॉन्ग साइड है लॉन्ग वायर है उसकी तरफ प्लस लिख देंगे और दूसरी तरफ का माइनस, इससे
जब हम इस तरह का रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बैटरी के लिए होता है। आगे देखिए, जब ये एक डॉट यहाँ पे हो, इसका मतलब है की क्लोज्ड है, यानी हमने स्विच ऑन किया है तो बल्ब जो है ग्लो कर रहा है। उसी तरह से जब हमने स्विच ऑफ कर दिया तो क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जिनको हम देखकर पता कर सकते हैं कि अच्छा ये तो सेल का है, इस तरह से बैटरी दिखती है, ये हमारा यहाँ पे स्विच ऑन है। उसी तरह से देखिए, टैपिंग की ओपन इस तरह से दिखेगा, टैपिंग की क्लोज्ड, ठीक है। बल्ब को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं और वायर्स जॉइंट एट अ पॉइंट, एक जगह पे जब दो तार जुड़ जाएं तो हम इसे प्लस दिखा देंगे। जब ओवरलैप कर जाए यानी एक के ऊपर एक तार आ जाएगा तो हम एक तार ये दिखाएंगे और दूसरा इस तरह से, ठीक है। ये आपको रिमेम्बर करना है, याद रखना है। नाउ कम टू सर्किट डायग्राम। अ डायग्राम विच शोज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द हेल्प ऑफ देयर सिंबल इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। जब अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इन सिंबल्स के थ्रू हम एक सर्किट डायग्राम बना सकते हैं, जैसे बैटरी, स्विच और बल्ब, ये लेकर हमने एक सर्किट डायग्राम बना दिया, ठीक है। तो इसीलिए आपको सारे सिंबल्स प्रिपेयर होने चाहिए, याद होने चाहिए। अब इलेक्ट्रिक स्विच क्या करती है, द ऑन ऑफ मैकेनिज्म इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कंट्रोल्ड बाय अ स्विच, है ना। जब हम किसी रूम में, मान लीजिए अंधेरा है, जब हम उसका स्विच ऑन करते हैं, जैसे यहां देखिए, जब हमने स्विच ऑन किया तो ये जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो खुला दिख रहा है आपको, ये पोर्शन, ये ऐसे होगा। तो जब ये पूरा एक कंप्लीट हो जाएगा तो आपका स्विच ऑन हो जाएगा और आपके रूम में लाइट आ जाएगी। और उसी तरफ जब एक स्विच ऑफ होगा, यानी कि ये चीज जुड़ी नहीं है, ठीक है, तो जब ये जुड़ा नहीं होगा तो आपके कमरे में अंधेरे का अंधेरा रहेगा। जैसे यहां समझते हैं, व्हेन द स्विच इज इन द ऑफ पोजिशन द करंट सर्किट इज ओपन एंड द करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट। व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजिशन द करंट इज क्लोज्ड एंड द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। ठीक समझ रहे हैं ना आप। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आप इसे पढ़ें, समझें, ना समझ आए तो मुझे ज़रूर बताएं। और तब तक आप अपने घर में अपने बड़ों की बात मानें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को साफ रखें, स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें।